महाराष्ट्र एमबीएसईटी 2024 का हॉल टिकट भी हमारे सामने है। एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है, सिर्फ कुछ दिन बचे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी, या मैं कहूँ रिवाइज, क्योंकि आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, एंड कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हो सकते हैं। फाइन, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले क्या क्या सवाल आपके मन में है, जैसे कि 99% अगर आपको लाना है तो कितने मार्क्स चाहिए, राइट? 99% के लिए आपको 140 से 150 मार्क्स चाहिए। वी ऑल नो पेपर 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में से आपको 200 में से 200 लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 150 अगर आपने सही क्वेश्चंस कर लिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया 137 पे भी 99% आ रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है? तो अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में गया है तो 135 से 140 145 हो सकता है। पेपर थोड़ा ईजी था तो 140 से 150 के बीच में हो सकता है टॉप करने के लिए इस एग्जाम को। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको करके आना है। लास्ट के 10 मिनट में आपको ध्यान देना है, लास्ट के 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपको रीचेक करना है कि सब पे आपने आंसर टिक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है गलत होने पे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। पास्ट ईयर के एक्चुअल पेपर कहाँ से मिलते हैं या फिर आपको कहीं मिल रहा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियली सीईटी सेल का पेपर मार्केट में नहीं आता है। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी सारे बुक्स हो सकते हैं जहाँ पे लिखा रहता है एक्चुअल पेपर, मैं आपको बता देता हूँ वो एक्चुअल पेपर नहीं होता है, वो एक मेमोरी बेस्ड पेपर है। पर तकलीफ ये है कि अलग अलग ऑथर्स के जो बुक्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपको जो पेपर्स मिलेंगे उसी साल का अलग अलग मिलता है, ठीक है? तो सेम उसी स्लॉट के सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपको नहीं मिल सकते। हाँ, काफ़ी सारे लोग जाते हैं, जैसे कि हमारी भी टीम है, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी जाते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने, वहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम भी क्रिएट करते हैं, ओके, या और सिमिलर लाइन पे हम फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पर क्या सारे क्वेश्चंस हम याद करके आ सकते हैं? आंसर इज नो। इसी प्रकार से किसी के लिए भी सारे क्वेश्चंस याद करके आना एज इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअल पेपर मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है पेपर, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट के अंदर करना है, तो सीईटी सेल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाता। बट हाँ, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए तो डिफिकल्टी लगने वाला है, जिसने पढ़ाई की है, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है उसके लिए ईजी और मॉडरेट लेवल का होता है। स्लॉट वाइज भी डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, बट सीईटी सेल एक उनका प्रोसेस होता है नॉर्मल करने का सारी चीज़ों का, तो वहाँ पे स्कोर्स ऊपर नीचे होते, आपको उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे उसको आपको सॉल्व करना, ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई भी गलत का आपको यहाँ पे ये नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है? एमबीए या फिर एमबीए जो कोर्स है इसका फॉर्म हमें खरीदना होता है क्या? जी नहीं, आपको कुछ नहीं खरीदना है। कैप राउंड चालू होगा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस सीईटी के रिजल्ट के बाद, ठीक है? वहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे, किसी भी कॉलेज का फॉर्म खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको एमबीए या फिर एमएमएस, जो मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जितने भी सीईटी सेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेजेस, वो जो कोर्सेज देते हैं, ओके, उनके प्राइवेट कोर्सेज पीजीडीएम को छोड़ के, उसका अगर आपको करना है तो फिर फॉर्म आपको लेना पड़ेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है? फाइन, अगर इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें समझनी है, आप बेझिझक होकर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू। रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट जनरली 15 से 20 दिन में आ जाता है, कभी कभी डिले होता है तो एक महीना भी जा सकता है, ठीक है? एडमिशन प्रोसेस एज ए सेट सीईटी सेल के द्वारा, जो एमएमएस कोर्सेज है, एमबीए कोर्सेज है, इसके लिए आपका कैप राउंड चालू होगा, उसके ऊपर हमारे डिटेल्ड वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हमसे हेल्प चाहिए, हमारे ये नंबर सेव कर सकते हो, या फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि वो सब जब वीडियोज़ आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस हैं, या फिर मुंबई में कितने कॉलेजेस हैं, पुणे में कितने कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ जाता है, ठीक है, कितनी सीट्स होती हैं, वो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करिए, फ्री स्टडी मटेरियल का एक एरिया है, उसमें आप जाइए, एमबीए सीईटी सर्च करिए, मिल जाएगा। उसमें भी अगर आपको असिस्टेंस चाहिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन, हमें हर रोज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके, या जो हमारे क्लासरूम में है वो हमें बोलते हैं, सर ये कॉलेज मुझे कॉल कर रहा है, एडमिशन लेना चाहिए क्या? सी, ये कोट आपने सुना होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आपको जो कॉलेजेस कॉल कर रहे हैं सामने से, याद रखना, जो कॉलेजेस आपको बार बार कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पे सीट खाली है, लास्ट एक सीट खाली है, दो सीट खाली है, वहाँ पे आप अपने रिस्क पे जा सकते हो। सी, तकलीफ क्या है? आज आपको सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बट आपको ये सोचना है कि कॉलेज क्यों बुला रहा है आपको, क्या उसके पास स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, और अगर नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, क्या उसका प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के ही आपको वहाँ पे जाना चाहिए,
हाँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर करियर, इट्स ऑल अबाउट मनी। आप छोटे मोटे पैसे नहीं देने वाले हो। आप कॉलेज की फीस 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मैं आपको बता देता हूँ, उतने पैसे बचाने के लिए आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सारा मेहनत किया है। तो अब आप सोचना कि क्या मुझे उस कॉलेज में जाना चाहिए, या फिर आप अच्छा स्कोर ला के सीईटी में, वेल नोन कॉलेज में जाके कम फीस में अच्छा प्लेसमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। कॉलेज के बारे में आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइन, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं? सी, लास्ट के कुछ दिन बचे, टॉपिक्स आपने पढ़ लिया हो, क्या क्या चीज़ें रिवाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क का पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 25 में से 22-23 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आ सकते हैं अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो। ओके, पैटर्न परसेप्शन, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, ये तीन चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं था। हो सकता है 11th 12th में उन्होंने एसपी लिया हो, राइट। आर्ट्स वाले बच्चों का मैथ्स से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको 2-3 सेट जरूर देखने को मिलेंगे। डेटा सफिशियंसी आपको करना है अच्छी तरीके से। एंड ये सारे जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अंदर भी जो ऊपर के टॉपिक्स है, इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, ओके, एंड एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोजिशन, पार्टनरशिप, ये जो 6-7 टॉपिक हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। और सबसे ज़्यादा मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी 5-6 टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें आसान होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होती है, और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, आपके पास समय नहीं है, मैं कहूँगा ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करिए, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए, इसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए। इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया आपको 200 में से 150 मार्क्स ही लाने हैं। तो अगर आपके 50 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, गलत हो गए, तो भी चलता है टॉपर बनने के लिए। हाँ, बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दीजिए। अभी अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको डेफिनेटली रिवाइज करिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या करना है, इंग्लिश में आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फोबियस, मैनियर्स, ओके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी चीज़ आपको, ये देखिए, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये 1-2 दिन में नहीं होता, 1-2 महीने में भी नहीं हो सकता है। इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर भी जो सारे शब्द हैं ना, वो सारे शब्द नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको एक डिक्शनरी आपको याद नहीं कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स, जैसे कि मुझे खुद को नहीं पता था लॉकडाउन के पहले कि लॉकडाउन क्या होता है, राइट, शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें, आपने बचपन से जो चीज़ें सीखते आए थे, वैसे उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। जनरली हम रिकमेंड करते हैं, जब कोई हमारे पास स्टूडेंट आता था, हम उसको बोलते भाई दिन के 10 वर्ड्स आप सीखना स्टार्ट करो। वर्ड्स मतलब वर्ड हो गया, उसके सिनोनिम्स हो गए, ओके, उसके एंटोनिम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करो। VARC वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंड पैरा जम्बल्ड्स, ओके, पैरा जम्बल्ड क्या होता है, अलग अलग सेंटेंस होते हैं एक स्टोरी के, उसको आपको जम्बल्ड में रहते, उसको आपको सिक्वेंस में लगाना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेजेस होते हैं, एंड मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग क्या होता है, वो एक ही सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमने क्लासरूम में किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर VARC। क्रिटिकल रीजनिंग से भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट, ये ईजी टॉपिक है, अच्छी तरीके से अगर आपने किया तो ये ईजी टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, दे फोकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे, सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो इसी दोनों टॉपिक के ऊपर अपना 80-90% फोकस कर देते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, उनका लगता है वो चीज़ें उनकी स्ट्रांग एरिया है। बट एग्जाम में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, छोटे छोटे छोटे, तो आपके यहाँ पे भी आपको फोकस करना है, ये भी फोकस करना है, ये सब टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। देखिए, इसमें से इजी टॉपिक्स क्या है, अल्फाबेट टेस्ट इजी है, कोडिंग डिकोडिंग इजी है, ब्लड रिलेशन इजी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग इजी है, डायरेक्शन सेंस इजी है, स्लॉट्स इजी है, ओके, नंबर एंड लेटर सीरीज, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर इजी है, मिसिंग नंबर इजी है, एनोलॉजी इजी है, क्लासिफिकेशन इजी है, ओके, वेन डायग्राम भी एक हद तक इजी टॉपिक्स है। ठीक है,
तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं समझ में आए, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इजियर वन. जब आप उसको देखोगे, जब आप उसको सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो आसान है. ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको रिवाइज करने, मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आ जाए. इफ यू लुकिंग फॉर अ प्रैक्टिस फील सीईटी बिफोर सीईटी, जैसा पेपर आने वाला है उस प्रकार से अगर आपको फील चाहिए, तो हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए. लैपटॉप से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो. 23 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में पूछे जाने वाला है, उसी टाइप के पैटर्न पे हमने टेस्ट बनाया है. 799 rupees इसका चार्ज है. एंड इफ यू लुकिंग कोचिंग फॉर 2025, हमारी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है घाटकोपर में, दादर में, डोंबिवली में. वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन लाइव कोचिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोर्सेज, बुक्स, टेस्ट पैक, ई नोट्स. उसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर. फाइन, थैंक यू सो मच. इफ यू नीड एनी असिस्टेंस ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर. थैंक यू सो मच.